आइए हम आपको ले चलते हैं आज रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड एंशिएंट ट्रेडिशन कल्चर एंड हेरिटेज माने रिवाच। तो ये रास्ते से हम लोग जा रहे हैं, मेरे साथ में हमारे दोस्त मनोज जी है। ये आवाली बस्ती भी जाएंगे, कुरनो भी जाते हैं यही, और यहाँ से तेजू भी निकाल सकते हैं, यही रास्ता है। और आप देख रहे हैं कि ये रिवाच का म्यूजियम है और नया म्यूजियम भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। नॉर्थ ईस्ट का एक नया म्यूजियम खड़ा होने जा रहा है। ये इसका कैंपस है। ये कैंपस करीब 5 हेक्टर्स में फैला हुआ है। अभी और भी ज़मीन डोनेट किया है लोगों ने, तो वहाँ पे भी कुछ नए चीज़ बनेंगे। तो ये जो कैंपस है 10 किलोमीटर दूर है रोइंग टाउन से, लगभग 10 किलोमीटर के आसपास हो जाएंगे। ये खिंजली नाम का एक गांव है, यहाँ पे बसा हुआ है। आप आवाली क्रॉस करेंगे तब ये देखिए वाल में चित्र, ये म्यूजियम के बाहर में वाल में जो नॉर्थ ईस्ट की विभिन्न जनजाति है इसके बारे में दिखाया गया है। रिवाच एक फैसिलिटेशन सेंटर्स है बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के लिए, जो आके यहाँ पे फील्ड स्टडीज कर सकते हैं, MA, MPhil, PhD डिग्री प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों आइए चल। रिवाच हैज ऑल्सो ए यूनिक इथनोग्राफिक म्यूजियम। दिस म्यूजियम इज एन इथनोग्राफिक म्यूजियम। तो सिंस 2017 में इसका उद्घाटन हुआ था। द ओनली पीपल म्यूजियम्स इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में केवल एक पीपल्स म्यूजियम करके खड़ा है और पीपल्स का, लोगों का इसमें कॉन्ट्रीब्यूशंस है। दोस्तों इस म्यूजियम को बनाने में या रिवाच को बनाने में माननीय श्री विजय स्वामी जी का बहुत बड़ा हाथ है, उन्होंने ही इस प्रोग्राम को शुरू किया। 22 जुलाई 2017 इस म्यूजियम का उद्घाटन हुआ। माननीय श्री किरेन रिजिजू, उस समय के दादेन हॉनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स। दोस्तों देखने के लिए रिवाच में बहुत कुछ है, आप आइए। यहाँ एक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है, लाइब्रेरी है और यहाँ बहुत कुछ है। हर्बल गार्डन है, हर्बल गार्डन भी आप घूम के देख सकते हैं। तो फिलहाल आप म्यूजियम के अंदर देखिए क्या है म्यूजियम में चमत्कार। पत्थर में कुछ लिखा हुआ है दोस्तों जो घर में उपयोग में आने वाले कुछ सामान जो हमारे दादा परदादा लोग, एंसेस्टर्स लोग यूज़ करते थे, उसका भी यहाँ पे एक अच्छा से प्रदर्शन किया गया है। हमारे अरुणाचल में कुल 100 से भी ज़्यादा जनजातियाँ हैं, तो उसमें से कुछ गिने चुने लोगों का हेड गियर्स जो टोपी या माथा सर पे लगाते हैं, उसका भी यहाँ पे सुंदर से प्रदर्शनी किया गया। ये माला
बहुत कुछ है म्यूजियम में देखने के लिए। आप आइए और म्यूजियम को आप समय दीजिए, आराम से बैठ के आप यहाँ पे रुक के आप देख सकते हैं म्यूजियम में। ये इंस्पायरेशन गैलरी है, ये मैडम टीना मेना जी को डेडिकेटेड किया गया, फर्स्ट वोमेन एवरेस्टर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये देखिए गन्स जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज किया, इसका दोस्तों आप जो ये रिवाज के बारे में देख रहे हैं, ये हमारा अरुणाचल चैनल यूट्यूब के चैनल के थ्रू से देख रहे हैं। आप हमारा अरुणाचल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। इस प्रकार का कार्यक्रम हम समय समय पर लाते रहते, आपसे फिर मिलेंगे।